नमस्कार दोस्तों, बी आर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कच्चे पालक के फायदों के बारे में। वैसे तो हर घर में पालक का इस्तेमाल होता ही है, हम इसे सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो पालक को कच्चा ही खाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पालक को पकाने की बजाय उसे कच्चा खाते हैं तो उससे आपके शरीर को क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि अगर पालक को पकाकर खाया जाए तो उसमें एसिड की मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए हमें पालक को कच्चा ही खाना चाहिए। चलिए जानते हैं कच्चे पालक के अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। कच्चा पालक अमीनो एसिड, विटामिन ए, सी, ई, के, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटाशियम से समृद्ध होता है। लेकिन इतनी सब चीजों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पालक को कच्चा खाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कच्चा पालक खाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हम आपको उसका सही तरीका बता देते हैं जिससे आप पालक को कच्चा खा सकते हैं और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पालक लेकर उसे मिक्सी के अंदर ग्राइंड करना होगा। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे दोबारा ग्राइंड करें, फिर उसे छानकर पालक का रस निकाल लें। ये जो पालक का रस है, ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आप पालक को कच्चा कंज्यूम करना चाहते हैं, आप इस रस के अंदर चाहे तो टेस्ट बढ़ाने के लिए काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको पालक के जितने सारे फायदे हैं वो इससे मिल जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, अगर आप इस तरह से कच्चे पालक का सेवन करते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको बेनिफिट होगा कि ये आपका एंटी कैंसर के रूप में काम करेगा, यानी कि आज के समय में जो कैंसर की समस्या है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप पालक के रस का इस्तेमाल आज से ही शुरू करें, जिससे आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो भी कच्चा पालक आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि कच्चा पालक आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छा बनाएगा और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करेगा, जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी है तो उस केस में भी पालक आपकी मदद कर सकता है। ज्यादातर महिलाओं के अंदर इस प्रॉब्लम को देखा जाता है। इस प्रॉब्लम का सीधा सा कारण होता है हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी होना, और जो पालक है वो आयरन से समृद्ध होता है, यानी कि पालक के अंदर आयरन काफी अधिक मात्रा में होता है। तो अगर आप पालक को कंज्यूम करेंगे तो इससे आपके शरीर के अंदर जो भी एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी है, तो इससे वो भी सही हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज के समय में मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल के कारण आंखों की रोशनी बहुत ही जल्दी कम हो रही है, यहाँ तक कि बच्चों को भी चश्मा लग गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहे या फिर आपका चश्मा उतर जाए, तो भी आप पालक को खा सकते हैं, क्योंकि पालक के अंदर विटामिन ए काफी मात्रा में होता है और विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए आप पालक को खाना आज से ही शुरू करें। तो दोस्तों, जाना आपने, अगर आप पालक को कच्चा खाते हैं तो उससे आपके शरीर को क्या क्या फायदे होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।